डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास का प्रश्न नंबर 25 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 25 इस तरह से है, दी हुई भुजा ए बी पर एक वर्ग बनाओ। वर्ग क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक वर्ग बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी भुजा दी हुई होनी चाहिए? एक। ठीक है, इसी का प्रयोग करके हम चारों भुजाओं को नाप कर काट लेंगे और हमारे पास वर्ग बन जाएगा। और चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90-90 डिग्री के। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। दी हुई भुजा है ए बी। ठीक है, सबसे पहले हम दी हुई भुजा लेंगे, एक बहुत ही आसान है, ये ले ली और इसको छोटे नाम देंगे। आप जो दी हुई भुजा है उसको हमेशा छोटे नाम देंगे। और इसी के बराबर आप एक मुख्य रेखा लगाएंगे जिसके ऊपर हमारा प्रश्न बनना शुरू होगा। ये हो गया। ठीक है, जो दी हुई रेखा है वो हल्की लगाई जाती है। ठीक है, इसी के बराबर हमने एक मुख्य रेखा ले ली और इसको हमने नाम ए और बी ही देने हैं, पर ये कैपिटल लेटर होंगे, बड़े अक्षर। ठीक है, अब पहले ही हम पता है कि 90 डिग्री के चारों कोण 90 वर्ग के चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो हम बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस तरह से, और बी पर भी सेम ही 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस तरह, और डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, जो डॉटेड काम है वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। इससे आपके ज्योमेट्री के काम में सुंदरता आएगी, देखने में अच्छा लगेगा। अब इसको भी पूरा कर लेते हैं। 90 डिग्री का कोण सभी को आता है बना। ठीक है, अब आप ऊपर की तरफ को हल्की लाइनें लेंगे। हल्की क्यों? अभी हमने ये काटनी है ऊपर को, तो ये हल्की पेंसिल से लगानी है लाइनें, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की। ठीक है, और इसके बाद हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी के बराबर प्रकार खोलेंगे। ये खोल ली हमने, और बिंदु ए पर रखकर ये जो ऊपर की तरफ को लगाई है इसको हम काट देंगे, और बिंदु बी पर रखकर ऊपर काट देंगे। ठीक है, और इससे हमें सी और डी बिंदु मिल जाते हैं। ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब आप सी और डी को आपस में मिला देंगे। अब आप इसको गहरा कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी, क्योंकि ये हमारा उत्तर है, प्रश्न में क्या बनाने को बोला गया है? वर्ग। तो जो जब हमारा वर्ग बन जाएगा तो वो हमारा उत्तर कहलाएगा। इसको हम डार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली हम बड़ी हुई लाइनें हम मिटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 25 पूरा हुआ, एक वर्ग। थैंक यू।